नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सतीश चंद्र आपका दोस्त आज फिर हाजिर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। आप लोगों ने कई जगह सुना है म्यूचुअल फंड सही है। यदि आप लोग एक क्रिकेट प्रेमी हैं तो वहाँ पर जितने भी प्लेयर होते हैं वो आप लोगों से कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। ये तो सभी लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आप लोगों को कभी ये बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या है, किस प्रकार से इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, किस प्रकार से हमें इसमें रिटर्न मिलते हैं, किस प्रकार से इसके प्लान हैं और म्यूचुअल फंड क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं यही सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई इस प्रकार की वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो दोस्तों यहां पे म्यूचुअल फंड, ये जो भी हमारा फंड होता है, यानी जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनका फंड होता है, उस फंड को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। जो मैनेजर होता है वो बहुत ही हायर क्वालिफाइड होता है और उसको कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है शेयर मार्केट का, क्योंकि आपका पैसा है वो शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट होने वाला है। शेयर मार्केट और जो बॉन्ड होते हैं वहाँ पर हमारा पैसा जो है इन्वेस्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें 70% जो आपका पैसा होता है वो शेयर मार्केट में लगता है और 30% आपका जो पैसा है वो सिक्योर होता है, आपका बॉन्ड में लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जो शेयर मार्केट में जब पैसा लगाया जाता है तो वहाँ पर ये अलग अलग कंपनियों में लगाया जाता है, ताकि आपका जो पैसा है वो यदि एक कंपनी घाटे में चली जाए तो दूसरी कंपनी उसको जो आपका घाटे में गई है कंपनी उसको कवर कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका जितना भी फंड होता है वो अलग अलग कंपनियों में लगाया जाता है और जो मैनेजर होता है उसको 2 से 2.5% जो रिटर्न होता है उस रिटर्न में उसका 2 से 2.5% हिस्सा रहता है। क्योंकि दोस्तों यदि वो 2 से 2.5% कमाने की सोचेगा तो आपका जो फंड है वो कभी भी घाटे में नहीं जाएगा, कभी भी रिस्क में नहीं लगाएगा। तो इसीलिए इसमें रिस्क तो रहता है, क्योंकि शेयर मार्केट जब ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है तो इसमें रिस्क तो रहता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों का ये पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। 70% जो है शेयर मार्केट में और 30% जो है वो आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि आप लोगों को जो रिटर्न है वो अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि आपका जो पैसा है वो ऐसे मैनेजर के हाथ में हैंडल करने के लिए दिया जाता है कि उसे 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही हायर क्वालिफाई होता है मैनेजर। तो इसीलिए इसमें रिस्क तो ना के बराबर रहता है, लेकिन दोस्तों रिस्क तो रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसके प्लान क्या होते हैं। तो इसके दो प्लान होते हैं, एक SIP और एक लमसप। तो SIP जो होता है वो आपका मंथली, यानी आप लोग आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से और ऊपर आप चाहें 2000, 3000, 20000, 30000, जितना भी आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली। तो इसे बोलते हैं SIP। जब आप मान लीजिए 1000 रुपये मंथली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1000 रुपये आपका एक साल का हो गए 12000 रुपये, 12000 का आपका जो रिटर्न आएगा वो आएगा लगभग 15000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो 12 से 15% आपका इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट लगने के बाद जो भी रिटर्न आपका आता है वो आपका 12000 यदि जमा हुआ तो 15 से 16000 आपका रिटर्न आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि SIP क्या होती है, किस प्रकार से इसमें हमें इन्वेस्ट करना है मंथली। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मैं और भी आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एक साल यदि करेंगे तो कम यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन यहीं पर यदि आप लोग कोई लंबा प्लान लेते हैं कम से कम 5 साल का, तो वहीं पर आपका जो रिटर्न होंगे वो आपके रिटर्न जो हैं वो बढ़ जाएँ, वो कम से कम 15 से 20% इंटरेस्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से इसमें जितना ही लंबा प्लान रखेंगे तो उतना ही इंटरेस्ट आप लोगों को बढ़ के मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि लमसम क्या होता है। तो लमसम इस प्रकार के फंड होता है कि आप लोगों का कोई इकट्ठा फंड यानी FD। आप लोग फिक्स डिपॉजिट तो जानते ही होंगे कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, तो वही प्लान इसमें होता है लमसम।
तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप लोग रिटायर हुए या मतलब कोई संपत्ति आप लोगों ने बेची है या संपत्ति बेचकर और आप लोग उस जो भी आपका फंड है उसको आप लोग इकट्ठा करके कहीं भी जमा करना चाहते हैं तो आप लोग म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं 5 से 10 साल के लिए या फिर 1 साल के लिए जितना चाहें आप इसमें लगा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी रहती है जितने साल तक आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से इसके प्लान होते हैं, एक SIP और एक लमसम प्लान होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें किस प्रकार से इसको इन्वेस्ट करना है और किस प्रकार से इसके रिटर्न लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अब म्यूचुअल फंड के बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।